हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ए चाणक्य विद्यापीठ के ऊपर। मैं हूँ आपकी भावना मैम, और आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन सभी बच्चों के लिए जो कि हरियाणा CET की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली उन सभी बच्चों के लिए भी जो कि अभी बेरोजगार हैं, जिनके पास अभी फिलहाल कोई नौकरी नहीं है और सोच रहे हैं कि मैम जॉब कैसे लगा जाए, मैम किस तरीके से कोई अच्छी जॉब आ सकती है। तो बच्चे ग्रुप डी के अंदर, हरियाणा के ग्रुप डी के अंदर अभी आगे आने वाले टाइम के अंदर 10,000 वैकेंसीज निकलने वाली है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगी, किस तरीके से सीईटी का एग्जाम हम क्लियर कर सकते हैं, तो इन सभी चीजों के बारे में बातचीत करेंगे। आप सभी बच्चों से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन पता चल सके कि किस तरीके से हरियाणा ग्रुप डी की पोस्ट निकलेगी 10,000, और आप लोग उसके अंदर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई नहीं बल्कि आप उस पोस्ट के ऊपर लग भी सकते हैं। तो एक बार बच्चे आप लोग पूरी अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन ध्यान से सुनिएगा। देखो बच्चे, हरियाणा के अंदर ग्रुप डी के अंदर कौन से बच्चे, ग्रुप डी के अंदर कौन सी पोस्ट निकलने वाली है अभी अभी आप लोगों के अगले महीने के अंदर करीबन 10,000 वैकेंसीज निकलने वाली है। ठीक है, कितनी वैकेंसीज बच्चे, 10,000। अब ये 10,000 वैकेंसीज को फिलअप करने के लिए हरियाणा के अंदर क्या होता है, टेस्ट होता है, एक सीईटी का टेस्ट होता है। सीईटी का टेस्ट जो है वो ग्रुप सी के लेवल पे भी होता है और ग्रुप डी के लेवल पे भी होता है। सी के अंदर बस प्री और मेंस भी होता है, डी के अंदर कोई दो एग्जाम नहीं होते, एक ही एग्जाम होता है, सिर्फ नॉर्मल एक एग्जाम होता है। ठीक है, अब देखो ग्रुप डी के अंदर कितनी वैकेंसीज आएगी, 10,000। अब इसको फिलअप करने के लिए आपका एक फॉर्म निकला जाएगा, सीईटी का फॉर्म, जिसका फॉर्म अप्लाई करना आप लोगों का अगले महीने से शुरू हो जाएगा। तो इसके अंदर देखो ग्रुप सी के अंदर, मतलब ग्रुप डी के अंदर सीईटी के जो फॉर्म अप्लाई होंगे, आप लोगों को पहले ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है। क्या होएगा बच्चे, आप लोगों के पहले ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करे जाएंगे। अच्छा, कौन सा बच्चा होएगा जो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, तो सारे के सारे बच्चे वही जो कि 10वीं पास हैं, सारे के सारे जो नॉर्मल 10वीं पास हैं, वो सारे के सारे बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, आपकी चाहे कुछ कितने भी वर्ष को, क्योंकि आयु जो है वो हमारी कितने से शुरू हो रही है, मात्र 18 साल से। तो जो 18 साल का व्यक्ति है, और उम्र कितने तक, 42 के वर्ष की उम्र तक आप आयु तक क्या भर सकते हो, इस फॉर्म को भर सकते हो, और उसके साथ में प्लस 3 साल हमारी रिजर्व कैटेगरीज के लिए भी है, एससी एसटी और ओबीसी के लिए कैटेगरीज के लिए है, यानी कि 45 इयर्स तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, ये हरियाणा ग्रुप डी की वैकेंसीज के लिए। तो देखो बच्चे, जैसे ही आप फॉर्म अप्लाई करोगे, फॉर्म अप्लाई करने के बाद में आपका एग्जाम होएगा। एग्जाम के अंदर जितने भी मार्क्स आए, मान लो आपके मार्क्स आए 50% आगे, 65% आगे, जितने भी परसेंट मार्क्स आए, अब उनके मार्क्स के बेसिस पे क्या होएगा आपके, देखो मान लो कि आप लोगों के 2 मार्क्स हैं, ठीक है, सीईटी के एग्जाम के अंदर आप लोगों के 2 होंगे, एक तो 40% मार्क्स आगे और एक आगे हमारे 50%। तो जनरल कैटेगरी के लिए जो जो बच्चे जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी, ठीक है, जनरल कैटेगरी वालों के लिए आपके 50% मार्क्स आने जरूरी है। अगर आपके 50% नहीं आते हैं तो क्या होगा, तो आप आगे आने वाली ग्रुप डी की जो वैकेंसीज आएगी उसमें आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपकी मिनिमम 50% मार्क्स जरूरी है। दूसरा, सीईटी के अंदर अगर 40% मार्क्स अगर आपके दूसरे रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर नहीं आए, रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर नहीं आए तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो रिजर्वेशन वालों के लिए 40% जरूरी है, 50% जनरल कैटेगरी वालों के लिए जरूरी है। अब इसके अलावा क्या इन्फॉर्मेशन जरूरी है, इसके अलावा हमें एक चीज ध्यान देने की जरूरत है बच्चे, कि जैसे ही मान लो कि मैम मैंने पेपर भी क्लियर कर दिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मैम मेरा पेपर तो क्लियर है और मेरे मार्क्स भी बहुत अच्छे आए हैं, ठीक है, मार्क्स भी बहुत अच्छे आए हैं, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड बच्चे, अब ये बताओ मैम कि ग्रुप डी के अंदर मैं फॉर्म अप्लाई कैसे करूं। तो जैसे ही बच्चे सीईटी का एग्जाम होता है, फिर उसके बाद में ग्रुप डी की वैकेंसीज आती हैं, ठीक है, तो जब आप वैकेंसीज के अंदर आप अप्लाई करोगे, जैसे कि जैसे ही मतलब वो लोग घोषणा कर देंगे कि हाँ भी अब ग्रुप डी की वैकेंसीज निकल गई है, ठीक है, ग्रुप डी की वैकेंसीज निकल चुकी है और वो कितनी निकलेगी, 10,000। अब उन 10,000 पोस्टों के ऊपर आप अप्लाई तो कर सकते हो, लेकिन ऐसा तो नहीं है हरियाणा के अंदर ग्रुप सी मतलब जो सीईटी का एग्जाम पास करेंगे वो सिर्फ केवल 10,000 होंगे, वो तो बहुत सारे बच्चे होंगे, तो उन बहुत सारे बच्चों में से 10,000 कैसे सिलेक्ट करे जाएंगे, वो होंगे बच्चे आपके मार्क्स के बेसिस पे। इसीलिए मैंने कहा था कि आपके मार्क्स कितने भी आए, लेकिन मार्क्स इंपॉर्टेंट है,
तो आप लोगों को, तो जो जो बच्चा हरियाणा ग्रुप डी के अंदर, मतलब हरियाणा ग्रुप डी की वैकेंसी के अंदर अगर उसे अप्लाई करना है, तो उसको क्या चाहिए? उसको सीईटी के एग्जाम में बहुत ही अच्छे वाले मार्क्स चाहिए। अगर उसके मार्क्स 90% 80% है, तो उसका ये मान लो बड़ा आराम से वो ग्रुप डी के अंदर अप्लाई कर सकेगा, फॉर्म फिल कर देगा, और डेफिनेटली फिर आपका बिना किसी इंटरव्यू के, मतलब आपका सिंपल ये एक पेपर हुआ, पेपर होने के बाद में बस अप्लाई करो, फिर अप्लाई करने के बाद में बस सिंपल है आप लोगों की आ जाएगी कि भी ज्वाइन हो जाएगी, ठीक है? बस सिंपल, इतना सही कैटेगरी है, इतना सही क्राइटेरिया है, बस इतना सही क्राइटेरिया को ये इसको पार करने के लिए एक आग का दरिया को पार करना पड़ेगा, और वो आग का दरिया क्या है? सीईटी है। अब इतना बड़ा भी वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सीईटी बहुत ही इजी सा एग्जाम है जी बच्चे। सीईटी का एग्जाम जो है वो 10वीं बेस पे ही है, उसके अंदर आपकी हिंदी भी आ रही है, मैथ्स भी आ रही है, रीजनिंग भी आ रही है, साइंस भी आ रही है, हरियाणा जीके भी आ रही है, बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन वो है एग्जाम इजी। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा भी फोकस करेंगे, तो आप ये एग्जाम क्लियर कर सकते हो। और आप लोगों की हेल्प करने के लिए हमारे एक चाणक्य विद्यापीठ चैनल ने शुरुआत करी है, हरियाणा के पूरे बैच की शुरुआत करी है, हरियाणा सीईटी की पूरे बैच की शुरुआत करी है। आप जरूर मॉक टेस्ट लगाइए उसके अंदर, तो हम प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट करवा रहे हैं, उसके अंदर बिल्कुल बेसिक से करवा रहे हैं, उसके साथ में मेरी हरियाणा जीके की अलग से क्लासेस आती है, और हम लोग अलग से बैचेस भी कर रहे हैं जिसके अंदर हम आप लोगों को हरियाणा के अंदर, हरियाणा सीईटी के अंदर एग्जाम के अंदर जो जो हमारे अलग अलग सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे कि रीजनिंग आता है, मैथ्स आता है, साइंस आता है, उनको बिल्कुल बेसिक से करवा रहे हैं। तो एक बार आप लोग हमारे चैनल को जरूर विजिट करिएगा, आई एम गेट डेफिनेटली श्योर कि एक बार आप लोग हमारे साथ पढ़ना शुरू कर दीजिए, मैं आप लोगों को गारंटी देती हूँ कि हमारे चैनल से आप लोगों को निराशा बिल्कुल भी फील नहीं होगी, डेफिनेटली शॉर्ट शॉर्ट सिलेक्शन आप लोगों का करवाया जाएगा। बस आप लोगों को क्या करने की जरूरत है, आप लोगों को पढ़ाई करने की जरूरत है, थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है, आप थोड़ी सी मेहनत करिए, बाकी की मेहनत हम पे छोड़ दीजिए, आप लोगों का सिलेक्शन करवाए बिना हम भी सांस नहीं लेंगे। तो तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, एक बार जरूर विजिट जरूर करिएगा हमारे चैनल को, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा आगे आने वाली हरियाणा सीईटी के एग्जाम्स के रिलेटेड न्यूज के लिए, ठीक है? तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे, बाय।